नमस्कार, आज मैं मंगलेश डबराल जी की कविता गुलामी का पाठ करूंगी। इन दिनों कोई किसी को अपना दुख नहीं बताता, हर कोई कुछ छिपाता हुआ दिखता है। दुख की छोटी सी कोठरी में कोई रहना नहीं चाहता, कोई अपने अकेलेपन में नहीं मिलना चाहता। लोग हर वक्त घिरे हुए रहते हैं, लोग हर वक्त घिरे हुए रहते हैं लोगों से, अपनी सफलताओं से, ताकत से, पैसे से, अपने सुरक्षा दलों से। कुछ भी पूछने पर तुरंत हंसते हैं, जिसे इन दिनों के आम चलन में प्रसन्नता माना जाता है। उदासी का पुराना कबाड़ पिछवाड़े फेंक दिया गया है, उसका जमाना खत्म हुआ। अब ये आसानी से याद नहीं आता कि आखिरी शोक गीत कौन सा था, आखिरी उदास फिल्म कौन सी थी जिसे देखकर हम लौटे थे। बहुत सी चीजें उलट पुलट हो गई हैं। इन दिनों दिमाग पर पहले कब्जा कर लिया जाता है, इन दिनों दिमाग पर पहले कब्जा कर लिया जाता है, जमीनों पर कब्जा करने के लिए लोग बाद में उतरते हैं। इस तरह नई गुलामियां शुरू होती हैं। तरह तरह की सस्ती और महंगी, चमकदार, रंग बिरंगी, कई बार वे खाने पीने की चीज से ही शुरू हो जाती हैं, और हम सिर्फ एक स्वाद के बारे में बात करते रहते हैं। कोई चलते चलते हाथ में एक आश्वासन थमा जाता है, जिस पर लिखा होता है मेड इन अमेरिका। नए गुलाम इतने मजे में दिखते हैं कि उन्हें किसी दुख के बारे में बताना कठिन लगता है, और वे संघर्ष जिनके बारे में सोचा गया था कि खत्म हो चुके हैं फिर से वहीं चले आते हैं जहां शुरू हुए थे। वो सब जिसे बेहतर हो चुका मान लिया गया था पहले से खराब दिखता है, और ये भी तय है कि इस बार लड़ना ज्यादा कठिन है क्योंकि ज्यादातर लोग अपने को जीता हुआ मानते हैं और हंसते हैं, हर बार कुछ छिपाते हुए दिखते हैं। कोई हादसा है जिसे बार बार अनदेखा किया जाता है, उसकी एक बची हुई चीख जो हमेशा अनसुनी छोड़ दी जाती है।